आज हमारे साथ हैं इस वक्त वार्ड 63 से प्रांजल गर्ग जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सभासदी का। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी सोच और विचारधारा क्या है। प्रांजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। धन्यवाद भैया। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास किया, आप कम उम्र के प्रत्याशी हैं, यंग हैं, यूथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की में कब से काम कर रहे हैं और किन नीतियों को देखकर आपको ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी किन खूबियों को देखकर आपको ये टिकट दी? मैं भारतीय जनता पार्टी में 2011 से सक्रिय हूँ। आज की डेट में मैं मंडल टीबीनाथ मंडल का कार्य समिति सदस्य भी हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपनाकर सारे चुनाव तन मन धन और अपनी पूरी ताकत, अपने मैन पावर, अपने यूथ को जोड़कर अपने सारे चुनावों में योगदान दिया है। मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर अपना भरोसा जताया, उसके लिए मैं पार्टी शीर्ष नेता का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि पार्टी ने जिस तरीके से मुझ पर भरोसा किया है, मैं अपने वार्ड से जीत कर आऊँगा और वार्ड में जो काम नहीं हुए हैं आज तक, उन कामों को पूरा करूँगा। रंजल, आपके नाम का मतलब क्या है? पहले मेरे नाम का मतलब है स्वच्छ। तो ऐसी क्या स्वच्छता आप लाने वाले हैं अपने वार्ड में इस बार, जो पिछली बार तक, पिछले 5 सालों या पिछले और सालों में या पुराने पार्षदों ने नहीं की? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की। इस टाइम कूड़ा उठता नहीं है और उठता है तो दोबारा पड़ जाता है, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरी है छुट्टा पशुओं की। बंदरों का इतना ज़्यादा कहर है कि महिलाएं और बच्चे सड़कों पर निकलने से डरते हैं। बच्चों पर अटैक कर देते हैं बंदर, महिलाओं से सामान छीन लेते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और कोई बंदर पकड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। लाइटों की व्यवस्था नहीं है, नालियां साफ़ नहीं हैं। इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, मगर अब ये लगता है कि बड़े विज़न के साथ काम करेंगे और जनता पार्टी के साथ अपने विज़न को आगे बढ़ाएंगे और सभासदी में अच्छा काम करेंगे। प्रांजल, जो आपका क्षेत्र है, जैसे हर मोहल्ले की, हर क्षेत्र की अपनी एक वैल्यू होती है, एक भूमिका, एक महत्वता होती है। आपका क्षेत्र मंदिरों का शहर है, उनका क्षेत्र है, मतलब पूरा का पूरा। तो मंदिरों, कई जीर्णशीर्ण मंदिर भी मैं हमने खुद स्वयं देखे हैं, बहुत जीर्णशीर्ण मंदिर भी हैं, पुराने भी हैं और बहुत प्राचीन भी हैं, जिनका पुश्तैनी का एक महत्व ही रहा है, वो भी वैसे भी मंदिर हैं। उनको जीर्णोद्धार कर लेकर भी क्या कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसे विचार लेकर चल रहे हैं आप आगे? बिल्कुल है, हम इस चीज़ में ऊपर महापौर जी से और अपने जो भी ऊपर विधायक या सांसद निधि से अगर कोई भी ऐसा काम होगा तो हम बिल्कुल कराएंगे। पानी की समस्या एक हमारे यहाँ रहती है, जैसे कि नौ देवी में मेला लगता है या अलकनाथ पर कोई सेवा होती है तो उसमें पानी की, जल जो पीने की पानी की व्यवस्था होती है, उसकी थोड़ी शॉर्टेज रहती है, उसके बारे में भी हम काम करेंगे। और हमारे यहाँ साहूकारे में 7 द्वार हैं, उनका भी जीर्णोद्धार अगर किसी का बाकी रह गया है तो उसके ऊपर भी हम पूरा काम करेंगे। प्रांजल, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक थॉट लेकर चलती है, एक विचारधारा लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ मुस्लिम क्षेत्र भी आपके में थोड़ा बहुत आता है और भी कई और जाति विशेष के क्षेत्र हैं, उन सबको कैसे कवर करेंगे, उनको कैसे अपने साथ जोड़ेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तो नीति ही भैया, जैसे आपने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास है और सबका विकास है, तो हम भी उसी नीति पर काम करेंगे। हमारे लिए कोई जातिगत समीकरण नहीं है कि हम इतने या वो उतने, हम सब धर्मों में जाएंगे, सब जातियों में जाएंगे और सबसे अपील यही करेंगे कि माननीय मोदी जी और योगी जी की उनको, मतलब एक माध्यम से, उनके माध्यम से वो भाजपा को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से सारे पार्षदों को, मेयर जी को जीतें। देखिए, पहला चुनाव है आपका, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, मोदी योगी का एक अपना चेहरा है, लेकिन हर चुनाव उनके ऊपर खड़े होकर नहीं लिया जा सकता, नहीं लड़ा जा सकता। आप ऐसी कौन सी चीज़ बताएंगे उस क्षेत्र के लोगों को कि क्षेत्र के लोग अपनी सोच को, अपनी, अपने वोट को आपकी तरफ ट्रांसफर करें? क्षेत्र के लोगों में देखिए, हमारा साहूकारा एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है जहाँ से भाजपा का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ जितने महानगर के पदाधिकारी रहे हैं वो मेन साहूकारे से बिलोंगिंग रही है पुरानी पार्टी की। यही सबसे बड़ी एक नीति है कि अगर हम पार्टी से जीत के आते हैं तो हमारे लिए एक डबल इंजन की सरकार का काम करेंगे, जो मेयर हमारे जीतेंगे और हम पार्षद बनेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ों की कमी है हम अपने वार्ड में पूरी कराएंगे, जनता उसी से आश्वस्त होगी। हमारे साथ प्रेम शंकर जी हैं, जो कि प्रस्तावक हैं प्रांजल जी के। प्रेम शंकर जी, प्रांजल जी की USP क्या है, ऐसी क्या खासियत है जो आप इनके प्रस्तावक बन के आए, एक व्यक्ति विशेष के रूप में? ऐसा ये युवा वर्ग से है और इनका बैकग्राउंड भी मतलब छात्र राजनीति से रहा है और बहुत जुझारू मतलब प्रत्याशी हैं ये हमारे क्षेत्र में इस समय, और इन्होंने भविष्य में जो इनकी कामनाएं हैं वो जनता के प्रति इस तरह से हैं कि भाई हम अच्छे से अच्छा कुछ और करके दें बढ़िया इनमें मतलब, और हर समय ये सेवा में लगे रहते हैं। और इन्होंने पिछले अपने समय में मतलब जो आपने जीर्णोद्धार मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की बात करी, तो उन्होंने 2-3 मंदिरों का मतलब जीर्णोद्धार भी किया है, जिसमें एक ठंडे नरवे मंदिर है और एक पर्वत सिंह कुआं के नाम से मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में विकास करने में इनका बहुत योगदान रहा है और उनको बहुत अच्छी स्थिति में उन्होंने मतलब रखा है। धन्यवाद प्रांजल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जीतने के।